नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मॉनस्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये सिक्स्थ वीडियो है। उम्मीद करते हैं आप पाँचों वीडियोज़ देख चुके होंगे और बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट मैमेटस क्लाउड? दे आर सीन फार फ्रॉम द ओशंस एंड यूजुअली ओवर लैंड लॉक कंट्रीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये ओशंस पे ही दिखते हैं। दिस क्लाउड्स अपीयर ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ये स्टेटमेंट सही है। दिस क्लाउड आर यूजुअली फॉर्मड इन एसोसिएशन विद लार्ज क्यूमुलिंबस क्लाउड। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये मैमेटस क्लाउड की फोटो मैंने अटैच की हुई है। तो मैमेटस क्लाउड्स आर सम द मोस्ट अनयूजुअल एंड डिस्टिंक्टिव क्लाउड फॉर्मेशन विद अ सीरीज ऑफ बल्जेस एंड पाउचेस। ये आपको फोटो में नजर आ रही है, बल्जेस एंड पाउचेस इमर्जेस फ्रॉम द बेस ऑफ ए क्लाउड। ठीक है, मैमेटस क्लाउड जो है वो ओशन एंड सी कोस्ट पे ज्यादातर दिखती है, लैंड लॉक कंट्रीज में तो दिखेगी नहीं। दे मे अपीयर अ स्मूथ रेज्ड और लंपी लोब्स एंड मे बी ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट हो सकती है। मैमेटस क्लाउड्स आर यूजुअली फॉर्मड इन एसोसिएशन विद लार्ज क्यूमुलिंबस क्लाउड्स एंड टिपिकली टर्बुलेंस विद द क्यूमुलिंबस क्लाउड विल कॉज द मैमेटस क्लाउड का फॉर्मेशन का कारण हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेड सैंडल्स। इट इज अ फ्रैग्रेंट वैरायटी ऑफ सैंडलवुड दैट मेनली ग्रोज इन द रेन फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये नॉन फ्रैग्रेंट वैरायटी है और रेन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो भी नहीं होती है। इट इज प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द रेड सैंडल्स का बॉटनिकल नेम है टीरोकार्पस सैंडलिनस, ए नॉन फ्रैग्रेंट वैरायटी ऑफ सैंडलवुड है जो कि मोस्टली ग्रो होते हैं रॉकी एंड हिली रीजन्स में, और 3 से 4 साल लग जाते हैं इन्हें 8 से 10 मीटर ग्रो करने में, फिर इनका ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और एक एडल्ट ट्री बनने में 20 to 25 years लग जाता है टू गेट द डीप रेडवुड टू बी यूज के लिए। आपने मूवी पुष्पा में इससे रिलेटेड एक स्टोरी देखी होगी। इट ग्रोज इन द थॉर्नी स्क्रब और ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट में, तो ये रेन फॉरेस्ट में नहीं होता और द सेंट्रल डेकन एरिया, और ये बहुत स्मॉल एरिया में ग्रो होते हैं, अबाउट 5,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पालाकोंडा एंड सेशलम हिल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कडप्पा एंड चित्तौर, सम एरियाज ऑफ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। ये सब मेनली आंध्र प्रदेश में ही है, नल्लामल्ला फॉरेस्ट इन कुर्नूल एंड पराकसम एंड इन पार्ट्स ऑफ द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, कुछ कुछ एरियाज में सम पैचेस ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटक में ग्रो होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, वट इज प्रोजेक्ट वोडेक, इंडियाज अपकमिंग ए आई पावर्ड वॉर गेम सेंटर, रशियाज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन द वेक ऑफ द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन द साउथ चाइना सी, यूएस अपकमिंग प्लान फॉर चिप वॉर अगेंस्ट चाइना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी टू डेवलप ए वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन न्यू दिल्ली। इस प्रोटोटाइप जो प्रोजेक्ट का नाम है वोडेक रखा गया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स काइंड साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया दैट विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिजाइन वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स के लिए। ठीक है, तो साइमुलेशन ट्रेनिंग देंगे आर्मी पर्सनल्स को ताकि उन्हें डिजाइन टू प्रिपेयर फॉर वॉर्स एज वेल एज काउंटर टेरर एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यूज ऑफ मेटावर्स एनेबल्ड गेम प्ले होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकल्शन होगा इसमें, यूज बाय द आर्मी टू ट्रेन इट्स सोल्जर एंड टेस्ट देयर स्ट्रेटजीज। तो ये जो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडियाज अपकमिंग ए पावर्ड वॉर गेम सेंटर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन यूएई हैव लॉन्च्ड इट ऑन द लाइन साइड लाइन्स ऑफ द यूएन क्लाइमेट समिट कॉप 27,
तो ये गलत है, इंडिया नहीं किया, इंडोनेशियन यूएई ने लॉन्च किया है, इंडिया इसका पार्ट जरूर है। द अलायंस एम्स टू स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इट इज़ अ इनिशिएटिव लेड बाय द यूएई एंड इंडोनेशिया, द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, विच इंक्लूड इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। एंड मैंग्रोव आप बहुत लोगों को पता ही होगा, नेचुरल आर्म फोर्सेस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल नेशंस में ग्रो होते हैं और इनका बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। दे आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कि सी लेवल राइज हो गया, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज जैसे साइक्लोन्स आती हैं। तो ये एक्ट करते हैं नेचुरल विंड ब्रेक की तरह में, ठीक है, सुनामी, इन सबसे हमको कोस्टल एरियाज को मेनली बचाते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू कार्बन सिंक फॉर मैंग्रोव अफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूसिंग एमिशन फॉर फ्रॉम मैंग्रोव डिफॉरेस्टेशन टू फिजिबल वेज, जिससे कंट्री जो है वो एनडीसी टारगेट को अचीव कर सकती है एंड कार्बन न्यूट्रलिटी को भी अचीव कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि COP 27 कहाँ, कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में, कंट्री में हेल्ड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया। इट इज अ इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज वेयर अ पॉइंट म्यूटेशन इन हेमोग्लोबिन मेक्स इट अबनॉर्मल एंड प्रोन टू स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। इट कॉजेज द व्हाइट ब्लड सेल्स टू टेक एन अबनॉर्मल सिकल शेप व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो। तो व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होगा, आरबीसी होगा। देयर इज नो कंप्लीट क्योर फॉर द डिजीज, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 1 एंड 3 ओनली। तो ये एग्जाम्पल है सिकल सेल एनेमिया, इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है, जो एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जैसे कि वैलिन के जगह में आ जाता है ग्लूटामिक एसिड आ जाता है। तो जो कोड होता है GAG से वो GUG हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो नॉर्मल जो आरबीसी का जो शेप होता है उससे वो शेप बन जाता है सिकल शेप शेप में, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अबनॉर्मल सिकल शेप हो जाता है, इसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो होता है। इससे क्या होता है, इसके हेमोलाइसिस, पोसिस्टेंट एनीमिया हो जाता है, अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द लेटर स्टेज होगा। तो ये इवेंचुअली पूरे बॉडी को डैमेज करेगा, जॉन्डिस, लीवर्स, पीन एनलार्जमेंट, ये इसके कुछ ये, तो ये सब होती है। देर इज नो कंप्लीट क्योर, द ओनली वे वी कैन हेल्प द पेशेंट इज बाई प्रोवाइडिंग अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड पेन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर इम्प्रूवमेंट, जैसे कि इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस उन पेशेंट्स का किया जा सकता है। और एक ड्रग है हाइड्रोक्सी यूरिया, जो हेल्पफुल है मॉर्बिडिटी डेथ रेट को कम करने के लिए। तो सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, अर्थक्वेक, सॉइल इरोशन, माइनिंग एक्टिविटीज, सॉइल कंपैक्शन, विच ऑफ द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड सब्सिस्टेंस। तो ये चारों ही फैक्टर्स रिजल्ट करते हैं लैंड सब्सिस्टेंस में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो जोशीमठ उत्तराखंड में कुछ एरिया में डिक्लेयर किया गया है लैंडस्लाइड एंड सब्सिडेंस हिट जोन डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। तो लैंड सब्सिडेंस क्या है, तो नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्सिडेंस को कहते हैं सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट। तो ये दोनों ही नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, मैनमेड कॉज से भी हो सकता है। नेचुरल जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट या फिर अर्थक्वेक के कारण हो सकते हैं, जो मैनमेड है वो ये सब कारण है, सॉइल इरोशन, माइनिंग एक्टिविटीज, सॉइल कंपैक्शन, या फिर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अनप्लान कंस्ट्रक्शन करना। तो जो जोशीमठ का जो लैंड सब्सिस्टेंस है उसका एक्चुअल रीजन तो पता नहीं है, लेकिन अनप्लान कंस्ट्रक्शन, ओवर पॉपुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, फिर हाइडल पावर एक्टिविटीज, इन सब कॉजेस हो सकते हैं लैंड सब्सिस्टेंस के। और जोशीमठ जो है वो हाईली सेस्मिक जोन में पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 मूव देख लेते हैं। यांगती कुत्ती वैली वॉज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू मल्टीपल इवेंट्स ऑफ ग्लेशियल एडवांसेस। इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड।
उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो ग्लेशियल एडवांसेस बेसिकली आसान भाषा में कहा जाए तो ग्लेशियस का पिघलना, तो ग्लेशियस पिघल के सब्सिडाइज करना, मूव करना डाउन साइड में, उसको ग्लेशियल एडवांसेस कहा जाता है। तो ये यांगती कुत्ती वैली, जो कि एक कुत्ती यांगती रिवर, एक मेजर ट्रिब्यूटरी है काली गंगा रिवर की, और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो बिल्कुल ही तिब्बत बॉर्डर पे लगती है। तो यहाँ पर ग्लेशियल एडवांसेस के बहुत सारे केसेस देखने को सुनने को मिले हैं। द स्ट्रॉन्ग टेक्टोनिक एक्टिविटीज दैट ऑकर्ड सेवरल थाउजेंड सेंचुरीज अगो अलॉन्ग विद द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ काली गंगा रिवर इन प्रेजेंट डे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कुड हैव लेड टू एन अब्रप्ट चेंज इन द ग्लेशियल फ्लो डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट यूजेस ओनली हाइड्रोजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड वाटर इन द प्रोसेस। तो ओनली हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के साथ साथ में एयर की भी जरूरत होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इट वर्क्स इन अ सिमिलर मैनर टू कन्वेंशनल बैटरीज फाउंड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट चूज करना। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूजेस हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग हीट एंड वाटर। तो आउटपुट क्या होता है? हीट, साथ ही साथ में वाटर वेपर्स होते हैं। फ्यूल सेल वर्क सिमिलर प्रिंसिपल जैसे कन्वेंशनल बैटरीज वर्क करते हैं उन पे ही, बट दे डू नॉट रन आउट ऑफ चार्ज एंड दे डू नॉट नीड टू बी रिचार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी। ये कंटिन्यू करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जब तक हाइड्रोजन का सप्लाई हो। फिर इसका जो प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को हम लोग एनोड में फिट करते हैं और एयर को कैथोड में फिट करते हैं। फिर एक कैटलिस्ट डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है एट द एनोड, ताकि ये कैटलिस्ट क्या करेगा, सेपरेट कर देगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फिर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं टू रीच द कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट क्रिएटिंग अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी यूज टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। और जो प्रोटॉन्स है ऑन द अदर हैंड मूव टू द कैथोड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसके थ्रू मूव करेगा। और वंस दे यूनाइट विद ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन के जो सब एटमिक पार्टिकल्स है वो जब यूनाइट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर एंड हीट, ठीक है। तो इसके जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के एडवांटेजेस क्या है, तो ये प्रोड्यूस जीरो एमिशंस, एमिशंस बहुत कम होते हैं। दे ओनली एमिट वाटर वेपर एंड वाटर, जो वॉर्म एयर है वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे आर मोर एफिशिएंट देन द इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल्स, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देख लेते हैं। रेफरेंस टू द लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन बिल्ट टू स्टडी पार्टिकल्स दैट आर द स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल थिंग्स। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट यूजेस अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ लिक्विड हीलियम टू कीप इट्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स अल्ट्रा कोल्ड एट -271.3 डिग्री सेल्सियस। ये भी बिल्कुल सही है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक जायंट कॉम्प्लेक्स मशीन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चरली 27 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक लूप बरीड 100 मीटर्स अंडरग्राउंड ऑन द स्विस फ्रेंच बॉर्डर पे है। तो इसमें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में क्या होता है, टू बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स जो कि मूव करते हैं एट द स्पीड ऑफ द लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इनसाइड अ रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो एक सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है, उसके अंदर में मूव करते हैं प्रोटॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एट द स्पीड ऑफ द लाइट, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इसका फंक्शन ये है कि प्रोटॉन्स को वो एक पर्टिकुलर पाथ में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने देता है, और ताकि वो फाइनली कोलाइड कर जाए, ठीक है। तो पार्टिकल्स आर सो टाइनी दैट, आप समझ लीजिए कि जैसे हमें दो निडल्स को फेंकने हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ द लाइट, और जो दो नेडल है, एक नेडल सपोज यहाँ, एक नेडल यहाँ, और डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है, और ये एकदम एग्जैक्ट हाफ वे में मीट करना चाहिए। तो ये इतना प्रिसीजन वाला काम है, तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। द एल एस
एलएचसी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कैरी ऑलमोस्ट मच करंट एज अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है जितना करंट होता है उतना इसमें भी होता है, तो इसको बहुत ज्यादा गर्म हीटअप हो जाता है, इसीलिए इसको ठंडा करने के लिए इसे चिल्ड रखा जाता है। तो एट द टेम्परेचर 27 -271.3 डिग्री सेल्सियस, तो ये ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट 0 डिग्री पे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दिस वेटलैंड लाइज डाउन स्ट्रीम ऑफ कूलर लेक विथ विच इट इज कनेक्टेड एंड फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इट लाइज ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ओवर 40,000 माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट बर्ड स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड एनुअली। दिस वेटलैंड इज लोकेटेड विद इन द झेलम रिवर बेसिन एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्लड कंट्रोल, एक्वाफायर रिचार्ज एंड रेगुलेटिंग द वाटर फ्लो द उलर लेक। द अबव मेंशन लाइंस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड? ओकेरा वेटलैंड, आइगम वेटलैंड, सुरिंसर मनसर वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना। इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। जय हिंद।